लोकसभा चुनाव नजदीक है और सियासत पूरे उबाल पर है। ऐसे में राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की आग एक बार फिर से भड़क उठी है। सवाई माधोपुर में गुर्जर समुदाय के लोगों ने शुक्रवार को एक महापंचायत बुलाई। इस महापंचायत में हजारों लोग जुटे। इसके बाद आंदोलन का ऐलान कर दिया गया। आरक्षण को लेकर राजस्थान सरकार की तरफ से वार्ता का प्रस्ताव नहीं आने से नाराज गुर्जर समाज ने रेलवे ट्रैक पर बैठने का फैसला किया। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक के साथ हाईवे को भी ब्लॉक कर रखा है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोरी सिंह बैसला ने सरकार के खिलाफ सीधे आर या पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कुछ दिन के अंदर गरीबों को आरक्षण दे सकती है तो गुर्जरों को यह आरक्षण क्यों नहीं मिल सकता। राजस्थान केंद्र सरकार ने 7 दिन के अंदर अंदर सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया है और 7 दिन में सारी प्रक्रिया पूरी कर लागू भी है। हम लोग जो सबसे बैकवर्ड लोग हैं, लोकोर कमेटी कह गई कि वे आर एज गुड एज एसटी। लोकोर कमेटी कह चुकी है कि वे आर एज गुड एज एसटी, इवन देन वी हैव नॉट बीन कंसीडर्ड। व्हाई? जब हमें कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं वो, तो व्हाई शुड आई, व्हाट शुड आई डू? ओनली एजुटेशन, एंड एजुटेशन इज व्हाई शुड नॉट। एजुटेशन इज वाइस अनहर्ड। अगर मुझे मेरा हक नहीं देंगे तो मैं आंदोलन करूंगा, मुझे कौन रोक सकता है? रोक लो। तमाम प्रदर्शनकारी शुक्रवार रात से ही रेलवे ट्रैक पर अलाव जलाकर बैठ गए। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने साफ कर दिया, इस बार सरकार को उनकी मांगे माननी ही पड़ेंगी। सरकार को उनसे बात करने आना ही होगा। वार्ता वार्ता कुछ नहीं है, होना है जो यही होना है, यही लेके आ जाए, उसकी 20 बार गरज पड़ती है तो वी आर नॉट गोइंग टू बज एन इंच फ्रॉम हियर। रेल रूट्स को ब्लॉक करने के बाद राज्य सरकार ने 3 सदस्यों की कैबिनेट कमेटी बुलाई जो प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर सके। राज्य पुलिस ने गुर्जर बहुल इलाकों में अलर्ट भी जारी कर रखा है जिसमें दौसा, भरतपुर और अजमेर शामिल है। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा डिवीजन की कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है, ट्रेन को रद्द भी किया गया है और कुछ ट्रेनों की दूरी कम की गई है। आपको बता दें कि गुर्जर समाज राज्य सरकार से 5% आरक्षण की मांग कर रहा है। गुर्जरों को 4 अन्य समुदायों के साथ मिलकर वर्तमान में अति पिछड़ा वर्ग के तहत 1% का आरक्षण मिलता है। इसके अलावा उन्हें पिछड़ा वर्ग के तहत भी आरक्षण दिया जाता है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।